हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के बारे में। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में कितने कोर्सेज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कौन सा एंट्रेंस देना पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा, और 2022 का कितना कट ऑफ गया था वो भी मैं आपको बताऊंगा, और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय NIRF रैंकिंग में कितने नंबर पे आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और लास्ट में आपको डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी का एक टूर करवा दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी कैसा दिखता है। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में कितने कोर्सेज होते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में 4 कोर्सेज होते हैं। यहाँ पे डी फार्म कर सकते हैं, यहाँ से आप बी फार्म कर सकते हैं, और एम फार्म भी यहाँ से कर सकते हैं, और PhD भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं डी फार्मा के बारे में। तो डी फार्म में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और वो भी जनरल टेस्ट के थ्रू, तभी यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा आपको। और गाइस, 2022 का आप कट ऑफ देख सकते हैं कितना गया था जनरल वाले का, OBC वाले का, ST वाले का, AWS वाले का। अब आपको देख करके एक अनुमान हो जाएगा, मतलब आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ बैचलर ऑफ फार्मेसी के बारे में। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए सेम प्रोसेस है, CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो भी जनरल टेस्ट के थ्रू, और उसका कैटेगरी आप देख सकते हैं, 2022 का कट ऑफ आप देख सकते हैं कितना कट ऑफ है, आपको एक अनुमान हो जाएगा, मतलब आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन होने वाला है या डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन होने वाला है। तो अब मैं बात करता हूँ मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के बारे में। तो मास्टर्स ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए आपको दो वे है, यहाँ पे दो वे से आप एडमिशन ले सकते हैं। एक क्या है कि GPAT क्वालिफाई होना चाहिए तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। दूसरा क्या है, VET के थ्रू, मतलब विश्वविद्यालय खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है मास्टर्स ऑफ फार्मेसी करने के लिए, फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है। तो गाइज, आप यहाँ से PhD भी कर सकते हैं। तो PhD करने के लिए आपको VRET का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, आप उसको क्वालिफाई कीजिए, फिर आपका इंटरव्यू होगा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा PhD में। तो गाइज, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों, अपने भाई बहन को जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा फुल डिटेल बनाया हूँ वीडियो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के बारे में। तो गाइज, अब मैं आपको बता दूँ कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय NIRF रैंकिंग में 43 नंबर पर आता है। तो अब मैं आपको एक छोटा सा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी का टूर करवा देता हूँ ताकि आपको ये पता लग जाएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी कैसा दिखता है।